हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट और दमन दीव के लिए ईवीएस की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर आपको मिल रही हैं। एक एक दो दो दिन के गैप पे ऐसी क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि थोड़ा लंबी क्लासेस मैं करता हूँ और दो से तीन टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। प्लांट्स, एनिमल्स, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली सीटेट में पूछे जाते हैं, पहले हम लोगों ने उसको कवर कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्कूल जाने के संसाधन। ठीक है, स्कूल बच्चे कैसे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे बुलक कार्ड क्या होता है, और बच्चे जो पहाड़ियों में कैसे जाते हैं स्कूल, बर्फ में कैसे बच्चे जाते हैं, किससे जाते हैं स्कूल, वो एक छोटा सा टॉपिक है प्यारा सा, जहां से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सीटेट दिसंबर 2024 से, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और एक चीज और कि जो जिसका भी साइंस और मैथ है पेपर टू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो उनके लिए दिव्यानी मैम क्लास आपके लिए रेगुलर लेके आ रही हैं। पहले उन्होंने सिलेबस डिस्कस किया है, मैंने उसके भी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जरूर देखिएगा उसको। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं सीटेट का। सीटेट का ईवीएस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट ईवीएस कवर कर रहे हैं, जो कि दमन दीव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने तीन टॉपिक कवर कर लिया है, जिसमें इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिसको कहते हैं स्कूल जाने का संसाधन। ठीक है, स्कूल जाने का संसाधन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कूल गोइंग प्रोसेस। स्कूल गोइंग प्रोसेस इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे शेल्टर नाम का चैप्टर थीम है, कि स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे, मतलब क्या क्या साधन है, क्या क्या रिसोर्सेस हैं अवेलेबल है, उसके बारे में चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं, पहले एक बारे में हम पढ़ेंगे जो बांस से बने पुल होते हैं। ठीक है, बांस से बना पुल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले, जिसको आप कह सकते हैं बैम्बू ब्रिज। ठीक है, इसको आप बैम्बू ब्रिज भी बोल सकते हो, बैम्बू ब्रिज। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके ये कहाँ पे उपयोग होता है, कहाँ इसको यूटिलाइज किया जाता है। देखिए, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। आपको सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे इसमें लिखा रहेगा कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, बारिश होती है, ऐसे लिखा रहेगा। वहीं और दूसरी बात करें तो इसमें लिखा रहेगा कि मतलब बच्चे जो हैं वहाँ के, फिर भी बच्चे जो हैं स्कूल जाने से नहीं कतराते। ठीक है, बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। मतलब यहाँ पे एक ऐसी जगह है, आप इसको इमेजिन करिए कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बारिश होती है और बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। वही बात करें, वो किताब लेते हैं अपनी, तीसरी लाइन देखेंगे, किताब उठाते हैं, किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से जो बांस होता है उसको पकड़ते हैं। ठीक है, बांस को पकड़ते हैं, बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी, ठीक है, चौथा लाइन इसमें लिख लीजिएगा कि जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल, बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ठीक है, पार कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में है, तो ये देख लीजिए, पहले बांस का बना पुल है, जो बैम्बू ब्रिज है ये कहाँ पे होता है। सबसे पहली चीज ये है कि ये कहाँ पे बनता है।
ठीक, ये लाइन आपको स्टेटमेंट ऐसे ही मिलेगा कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, बच्चे स्कूल फिर भी बच्चे स्कूल मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि घुटने तक पानी भर जाता है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं रुकते हैं स्कूल जाने से। बच्चे एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से जो बांस होता है, जो बांस के पुल बनते हैं, बच्चे उस पर ऐसे चलते रहते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? तो ऐसे घर पाए जाते हैं आसाम में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? आसाम में। याद रखिएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और आपसे आंसर पूछेगा। तो ऐसे घर आसाम में पाए जाते हैं बंबू के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा द ट्रॉली। ठीक है, टोली से दूसरा पढ़ते हैं, टोली से। इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में ट्रॉली। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? ट्रॉली। तो द ट्रॉली बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ट्रॉली टाइप की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, टोली बनी होती है। ठीक है, बच्चे टोली बनी होती है और बच्चे इसमें, पहली चीज लिख लीजिए कि स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? रोज नदी पार करना पड़ता है। ठीक है, नदी पार करना पड़ता है, पहली चीज नदी पार करना पड़ता है, नदी पार करना पड़ता है, जो कि खूब बड़ी और गहरी नदी होती है। ठीक है, और होता क्या है कि नदी को पार कर, नदी के ऊपर से एक लोहे की रस्सी बंधी होती है। ठीक है, एक लोहे की मजबूत रस्सी बंधी होती है। ठीक है, रस्सी होती है, और दोनों तरफ से, ठीक है, ये दोनों तरफ से क्या होता है, बस इसको इतना समझिए कि आप ये जैसे ये नदी हो गई, ठीक है, ये नदी हो गई, ये नदी हो गई, इसके ऊपर से एक लोहे की रस्सी होती है, एक तरफ इधर पत्थर में बंधी होती है, एक तरफ इधर पत्थर में बंधी होती है, और इसी में लटकी होती है, एक ट्रॉली नामी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्रॉली की तरह होता है और बच्चे इसमें बैठ कर, ट्रॉली में बैठ कर बच्चे स्कूल नदी के इस पार चले जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे जो ट्रॉली से कहाँ पे जाते हैं बच्चे? लद्दाख में। इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख। ठीक है, बस आंसर समझिए, उसको चीजों को समझना है, रटना नहीं हमें। ठीक, तो लद्दाख में ऐसे घर पाए जाते हैं। अब चलिए तीसरा घर पढ़ते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, वल्लम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वल्लम, वल्लम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में वल्लम बोलते हैं। तो ये भी एक स्कूल जाने का तरीका है। ठीक है, कहाँ, पहली चीज कहाँ होता है? केरल में होता है। वल्लम कहाँ पे? केरल होता है। अब वल्लम होता क्या है? ठीक है, अब होता क्या है कि जो केरल एरिया है, यहाँ के कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ भागों में पानी भर जाता है। ठीक है, भागों में, कुछ एरिया में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। उसके बाद क्या होता है? पानी भर जाता है तो वेल्लम, एक वेल्लम क्या है? वेल्लम एक लकड़ी की छोटी नाव होती है। ठीक है, लकड़ी की छोटी नाव होती है, लकड़ी की छोटी नाव होती है वेल्लम, और इसी से बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, इसी को हम वेल्लम कहते हैं, स्कूल जाते हैं। तो बस इसमें आपको इतना जानना है कि वल्लम क्या है। वल्लम केरल में पाया जाता है। इस किस किस उपयोग में ये किया जाता है? स्कूल में जाने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक लकड़ी की छोटी नाव होती है वल्लम, जो कि केरल में उपयोग की जाती है। कहाँ? बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। वल्लम हम लोगों ने, वल्लम एक छोटी की ना लकड़ी लकड़ी नाव होती है, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए कैमल कार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ऊंट गाड़ी। ठीक है, ऊंट गाड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? कैमल कार्ट, इसको कैमल कार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान कहाँ होता है? आप समझ सकते हैं, कैमल ऊंट की गाड़ी रेगिस्तान में। ठीक है, रेगिस्तान कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पहले राजस्थान में इसका उपयोग होता है, इसका कैमल कार्ट का। ठीक है, और जो रेत होती है भैया, रेत होती है, दिन में तो तपती है। ठीक है, दिन में तपती है, मतलब बहुत गर्म रहती है,
और रात में क्या होता है, खूब ठंडा रहता है। ठीक है, रात में ठंडा रहता है। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस पर जो कैमल कार्ट होता है, ठीक है, ये जैसे ऊंट हो गया, मान लीजिए इसको ऊंट हो गया, तो इसके पीछे ऐसे लगी जाती है ट्रॉली टाइप की, जिसमें बच्चे बैठ कर स्कूल जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं। आप बच्चों की तरह पढ़िए, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को एकदम समझते चलिए, ताकि कोई भी वर्ड आप भूले ना। तो कैमल कार्ट होता है, इसी में बच्चे बैठ के जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, बुलक कार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। बुलक कार्ट, जिसको आप क्या कहते हैं, बैलगाड़ी। ठीक है, ये बैलगाड़ी कहते हैं इसको। इसका उपयोग कहाँ होता है, आइए इसको देखते हैं। ये प्लेन्स एरिया जो है, ठीक है, पहले इसका यूज कहाँ होता है, जो प्लेन्स एरिया है भारत के, उसमें यूज होता है। ठीक है, भारत के प्लेन्स एरिया है वहां पे यूज होता है। इसमें क्या होता है कि भैया बैलगाड़ी होती है, ये दो बैलगाड़ी होते हैं। ठीक है, ये दो बैलगाड़ी होते हैं, इसी में लगा होता है, मतलब एक कार टाइप का लगा होता है, और बच्चे इसी पे बैठ के आनंद भरे स्कूल जाते हैं। ठीक है, स्कूल जाते हैं। बस इतना समझिए बच्चों की तरह, कि बुल्लक कार्ट कहाँ यूज होता है, प्लेन एरियाज में यूज होता है, विलेज इन द प्लेन्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो अब एक बार एक गाड़ी और बची है, जिसको कहते हैं जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ एनसीईआरटी बेस में आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जुगाड़ नाम से है, जिसको हिंदी इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, जुगाड़। तो इसमें क्या है कि बच्चे बोलते हैं कि हमारी जो गाड़ी है, इसका नाम है, हमारी गाड़ी का क्या नाम है, हमारी जो गाड़ी है, गाड़ी का नाम है जुगाड़। एनसीईआरटी में है ये दिया गया है, कि हमारी गाड़ी जो है, इसका नाम है जुगाड़। यह एक आवाज करती है, ठीक, इससे आवाज निकलती है फटफट। ठीक है, फटफट की आवाज आती है इससे, फटफट की आवाज आती है। और आगे से देखेंगे तो इसको मोटर बाइक की तरह लगती है। ठीक है, आगे से देखने पर मोटर बाइक की तरह लगती है। ठीक है, मोटर बाइक की तरह दिखता है, और पीछे की जो चीजें होती हैं उसकी लकड़ी से बनी होती है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, गुजरात में, इसको याद रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है गुजरात दमन दीव वालों के लिए, कि जुगाड़ का सिस्टम कहाँ यूज होता है, गुजरात में यूज होता है। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है। अब आगे चलते हैं। बर्फ पर एक और घर है, कि बर्फ पर, अगर गलती से क्वेश्चन पूछ लिया कि बर्फ पर बच्चे कहाँ चलते हैं, मतलब बर्फ पर चलकर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कहाँ पे जाते हैं, तो इसका भी एरिया नाम सुन लीजिए, ये जाते हैं बच्चे नॉर्दर्न हिल्स में जाते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हिल्स में, याद रखिएगा, जो उत्तर की पहाड़ियां होती हैं, वहां पे बच्चे इससे जाते हैं। बर्फ, बर्फ नाम आपको कीवर्ड पकड़ना है। ठीक है, जहां पे बर्फ का जिक्र कर दे, बच्चे बर्फ पर पैदल जाते हैं। ठीक है, जो पहाड़ियां होती है उस पर बर्फ जमा हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चे, बच्चों के पैर जो हैं वो धस जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे वहां पर जाते हैं। ठीक, ये नॉर्दर्न हिल्स हो गया। अब आगे चलते हैं। एक और दिया हुआ है, रॉकी, रॉकी पाथ्स। ठीक है, रॉकी पाथ्स के बारे में दिया है, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पाए जाते हैं। भैया ऊबड़ खाबड़ जहां पहाड़ होगा, ठीक है, पहाड़ मतलब हिली एरिया में, जो हिली एरिया होगा यहाँ पाया जाएगा। तो ये जो पहाड़ी इलाकों में ये लोग रहते हैं, ठीक है, ये बच्चे जो हैं यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, और दूर दूर तक क्या होता है कि पथरीले रास्ते होते हैं। ठीक है, पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। और बच्चे क्या है, इस पहाड़ को पार करते हुए बच्चे स्कूल को जाते हैं। तो अगर पूछे कि पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ अगर आपको कहीं मिले तो क्या लगाना है, उत्तराखंड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बच्चे ऐसे जाते हैं स्कूल। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो रिसोर्सेस हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, कहाँ पर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जो वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास सुन लीजिए पूरी बात, क्लास 3rd to 5th की एनसीईआरटी। अभी मैंने ऐसे टॉपिक पढ़ा है जहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने उन टॉपिक्स को कवर किया, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे।
क्लास थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे चीजों को, चैप्टर वाइज करेंगे। पहले चैप्टर में क्या दिया गया है, दूसरे चैप्टर में क्या दिया गया है, पूरा चैप्टर वाइज थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फिर कोर एनवायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। कोर एनवायरमेंट कहने का मतलब है कि पर्यावरण क्या होता है, इन सीटू एक्स सीटू क्या होता है और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कोर एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये है मेरा पढ़ाने का प्रोसेस। पहले हम आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पूरी कवर कराएंगे, उसके बाद कोर एनवायरमेंट पढ़ेंगे, जैसे एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, और जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे सोलर एनर्जी वगैरह के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इस तरह से हम पढ़ाएंगे आपको, बाकी अभी पढ़ते रहिए, ऐसी छोटी छोटी क्लासेस मिलेंगी, फिर आपको आगे से चल के बोर्ड पर क्लासेस मिलने लगेंगी, ठीक। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, नोट्स सीटेट और दमन दीव के लिए दोनों अवेलेबल हैं, सीटेट एंड दमन दीव जो हैं पीआरटी वाले वो उसको ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। मैं पूरी ईबीएस पढ़ाऊंगा और जल्दी हम सीडीपी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो दमन दीव और सीटेट वाले ले सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके 8853954496 इस पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट है और बहुत बच्चों ने यहाँ से लिया भी है और पढ़े भी हैं, अच्छे मार्क्स गेन भी किए हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, हम एनसीईआरटी जो है थर्ड की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।